अगस्त के महीने में अक्षय कुमार को आप लॉक कर लीजिए। जहां देशभक्ति की बात होगी यानी कि 15 अगस्त, तो वहां पर अक्षय कुमार का धमाका ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अक्षय कुमार अपनी फिल्म गोल्ड लेकर 15 अगस्त को आ रहे हैं, लेकिन ये तो वो धमाका था जिसका दर्शकों को इंतजार था। लेकिन एक साथ में ऐसा धमाका होगा फिल्म में जिसका दर्शकों को और भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, पूरा अगस्त का महीना केवल अक्षय के चर्चे होने वाले हैं। जहाँ गोल्ड फिल्म रिलीज हो रही है, उसके अलावा गोल्ड के साथ में रोबोट का टीजर रिलीज किया जाएगा, तो दर्शकों के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जहां अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड के साथ में इतना बड़ा धमाका होगा, तो रजनीकांत की पकड़ से ये फिल्म और भी ज्यादा आगे खींचेगी। रजनीकांत रोबोट 2.0 की जान है, तो गोल्ड अक्षय कुमार की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, और दोनों ही फिल्मों को एक साथ सिनेमाघर में देखने के लिए दर्शक जाएंगे, क्योंकि गोल्ड के साथ रोबोट 2.0 का टीजर दर्शकों के लिए तो सोने पर सुहागा हो गया। गोल्ड का नाम ही गोल्ड है, तो यहाँ पर आपको गोल्ड जैसा तोहफा ही अक्षय कुमार रजनीकांत देने वाले हैं। आपको बता दें, गोल्ड में कुल 150 एक्टर्स ने काम किया है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी एक्टर वाली मूवी बताई जा रही है। हालांकि मुख्य भूमिका पूरी तरीके से अक्षय कुमार की है। वहीं रोबोट 2.0 में अक्षय कुमार के अलावा रजनीकांत एमी जैक्सन नजर आएंगे, और वहीं ये फिल्म शंकर की है, जो कि काफी अच्छे डायरेक्टर है, जिन्होंने फिल्म रोबोट 2.0 के लिए अपनी बाकी सारी फिल्में और पूंजी दांव पे लगा दी है। तो देखना ये होगा कि अगस्त का महीना अक्षय कुमार के लिए कितना बेहतर साबित होता है। फिलहाल तो अक्षय कुमार ने पूरा 500 करोड़ी खेल खेल दिया है। वहीं रोबोट 2.0 के रिलीज होने के बाद तो ये खेल 1000 करोड़ का हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अक्षय कुमार के बारे में, कमेंट में बताइए। सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी खबर के लिए।